अस्सलाम वालेकुम नाज़नी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की जौन सी वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, कहीं से भी कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की अगर वीडियो आपने मिस कर दी तो आप लोगों ने समझे कुछ देखा ही नहीं और आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। इसलिए अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को, वो लोग जो नए हैं, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, या जिन लोगों ने इस सारे सिनेरियो का जायज़ा नहीं लिया हुआ, उन लोगों को नहीं पता कि ये गेम चल क्या रही है, ये बात है क्या, मैं उनके लिए एक बार अपनी जो सारी स्टोरी है जो चंद दिनों से चल रही है, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ, ताकि वो जो नए लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं उनको समझने में आसानी हो जाए कि ये कहानी है क्या और शुरू किसने की है और कितनी रह गई है। ठीक है, तो चंद दिनों पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक गुराया व्लॉग के नाम का जोन सा चैनल है शख्स का, उसने एक बात की थी कि जोन सा एंडी बाजवा है वो लोगों से शॉर्ट के पैसे लेता है। ठीक है, तो उसने कहा कि वो जिन लोगों को वीडियोस देता है उन लोगों से पैसे लेता है, कमिटमेंट करता है और उनको अपनी जो वीडियोज़ है फिर देता है। अब उसके उसकी जो वीडियोज़ थी एंडी बाजवा की, हमारे चैनल पर मौजूद थी और हम लोगों ने उस वाले से उसे जवाब दिया कि हमसे तो कुछ ऐसा उसने नहीं मतलब डिमांड की, कोई पैसों की या कोई ऐसी कमिटमेंट की हो, जिस अगर उसने हमसे लिए होते या हमने उसे दिए होते हाँ तो हम लोग चुप कर जाते कि अच्छा भाई ये तो अब सब दुनिया के सामने एक चीज़ ऑनियर हो गई है तो हम लोग अब इस पर चुप ही रहे तो बेहतर है। लेकिन ऐसी जब बात आप करेंगे किसी के हवाले से तो फिर अगर वो गलत होगी तो हम लोग को बोलना पड़ेगा, और अगर आप सही करेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने गलत बयानी की यहाँ पर आकर। तो उस जवाब में मैंने वीडियो बनाई कि ठीक है जनाब, हो सकता है उसने चलो हमसे पैसे नहीं मांगे, हमसे कमिटमेंट नहीं की, अगर आप कह रही हैं इतने एक कैमरा के सामने आके इतनी दुनिया के सामने एक बात रख रहे हैं आप, तो आपके पास कोई प्रूफ तो होगा ना इस चीज़ का, तो आप हमें प्रूफ दिखा दें। बस इतनी सिंपल सी बात है कि आज के दौर में आप जब किसी शख्स को, ठीक है अगर वो आपके मुल्क में हो, आपकी कंट्री में हो, आपका जाने आपके करीब हो, तो आप उसे जाकर बाय हैंड भी दे सकते हैं या किसी के थ्रू दे सकते हैं। अब वो जो शख्स है जिसके बारे में उसने बात की वो बैठा है सात समुंदर पार, अब उससे जो पैसे देने हैं किस तरह देने हैं, ये छोटा सा मेरा उसे सवाल था कि ठीक है आपने ये जो बात की है, हम लोग अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुंतजिर है कि आप ऑन कैमरा लेकर आए और हमें बता दें कि ये बात है। लेकिन जनाब उस शख्स के पास सबूत था कोई नहीं, वो महज उस ड्राइवर के ट्रक है उसकी लाइट के पीछे लग कर व्यूज़ और लाइक हासिल करना चाहता था। वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि जब ये कहानी शुरू हुई तो वो छोटा यूट्यूबर जो गुराया व्लॉग वाला है कितना छोटा यूट्यूबर था, सिर्फ उसके 1019 सब्सक्राइबर थे और ये सारी गेम खेलकर, ये उसके बारे में एक सीन बना कर कि वो पैसे लेता है और उसके बाद उसने जो बाकी लोगों को टारगेट किया, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई, तो उसने कितने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ले लिए हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आप लोग जो नए देखने वाले हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे कि ये गेम क्यों खेली गई है और इसका मकसद क्या है और किस हद तक वो कामयाब हो रहा है। ठीक है, तो बस मेरा यही था कि पहले मैं आप लोगों को सारा ओवरव्यू दे दूं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई, बात हुई क्या, उसने क्या कहा, तो बदले में मैंने उसे क्या पूछा और उसे क्या जवाब मिला, तो उसने बजाय इसके के सारे क्लेरिफिकेशन करता, सब कुछ क्लियर करता कि एक्चुअल में बात है क्या, उसने हमारे ख़िलाफ़ उल्टा वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी और ना सिर्फ वीडियोज़ बनाई बल्कि ऐसी चीप हरकतें की हैं और जिनका जवाब उसे आज की वीडियो में मिलेगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को पूरा देखें, इंजॉय करें, और अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को मिस कर दिया इसका मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी तो व्यूवर्स, अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और इसको शुरू करते हैं। तो ये गुराया का जो एतराज़ है हमारे चैनल के हवाले से, उसको हमारा कंटेंट नहीं पसंद। अगर तुम्हें हमारा कंटेंट नहीं पसंद तो तुम ना देखो हमारी वीडियोज़ को, तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आओ और हमारी वीडियोस को वॉच करो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ना देखो। लेकिन उसने कहा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा कंटेंट कैसा होता है, मेरा इंट्रो कैसा होता है। जनाब इनके इंट्रो के ज़रा चंद क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा मुलाहिजा फरमाएं आप लोग कि इनका कंटेंट कैसा होता है, इनका स्टार्ट कैसा होता है। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हमेशा उनको
इसी तरह इज्जत देता रहेगा। मैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बहुत अच्छा करते हैं, जो छोटे यूट्यूबर को शॉर्ट आउट नहीं देते, अगर शॉर्ट आउट देते हैं तो वो भी आपकी तरह कमजोर भी कमजोर जरूर करेंगे। जी तो आप लोगों ने देख लिया कि इनका इंट्रो कैसा होता है, ये अपनी वीडियो को किस तरह स्टार्ट करती हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो अब मैं बस आपकी आज की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे जवाब दूंगी कि आपको लग पता जाएगा कि आपने पंगा लिया किससे है। जी तो ये होगी हमारे इंट्रो के हवाले से बात, और चलते हैं अब अपनी दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इन्होंने कहा कि ये अपने चैनल पर जो अली वीर के थंबनेल लगाते हैं, ठीक है, आपने बड़े वीडियो में दिखाई हमारी, इधर भी चलाए क्लिप, उधर भी चलाए कि देखें जी इन्होंने तो सारी जगह ही अली वीर के थंबनेल लगाए हुए हैं। तो जनाब, ओह जनाब, ये तो कुछ इज्जत का लफ्ज़ हो गया, आप तो इस काबिल भी नहीं कि आपको इज्जत दी जाए। तो मिस्टर, तुमने क्या किया हुआ अपने चैनल पर, तुमने अली वीर के थंबनेल नहीं यूज़ किए हुए, पहले अपने गिरेमान में तो झांक कर देख लो कि तुम कर क्या रहे हो। चलो माना ये तुम्हारी आंखें जो नहीं खुलती, पर ये दिमाग तो है कि ये भी नहीं खुलता, आंखें तो माना नहीं खुलती, यहाँ से तो काम ले सकते हो, मुझे तो लगता है ये भी बंद ही है। तो चले आप लोग देखें, और ये मैं आपको चंद क्लिप दिखा रही हूँ कि देखें इसकी इसने किस तरह यूज़ किए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसने भी अपनी वीडियोज़ पर किया क्या हुआ है। अच्छा अब थंबनेल इसने लगाया हुआ है कुछ और, मतलब अली वीर का, और अंदर इसने खुराफात का छोड़ी हुई है, लोगों की बुराइयां की हुई हैं। जी जनाब बिल्कुल, अपनी आदत से मजबूर है, क्या करे, अपना कंटेंट तो है नहीं इसके पास, ये तो करता ही ये है, ये लोगों के कंटेंट चोरी करता है, टोटे 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 निकाल के अपने मवाद को पूरा करता है, अपनी वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा करता है, अपना वॉच टाइम पूरा करना चाहता है कि छोटा सा यूट्यूब है। ने देख लिया कि इसने किया क्या है कि थंबनेल यहाँ पर कुछ लगा हुआ है और अंदर कुछ और खुराफात छोड़ी हुई है, कि मतलब किसी और के वीडियोस के क्लिप को अपनी वीडियो के अंदर जोड़ा, क्यों, खुद तो आपको पता है ये आज मुझे क्या हुआ है, ला 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 ला। ये हाल है इनका, ठीक है, तो इसलिए इनको खुद तो कुछ समझ लगती नहीं है मैं क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, बस ये लगे हुए हैं लोगों का कंटेंट चोरी करने के लिए, कभी आपकी वीडियो का क्लिप निकाल लिया, तो कभी उसकी वीडियो का क्लिप निकाल लिया, तो कभी मेरी वीडियो का क्लिप निकाल लिया। तो इन्होंने महज करना सिर्फ ये होता है कि मेन बात की तरफ नहीं आना होता, और इन्होंने करता क्या है, ये करता ये है कि भाई ये टोटे टोटे करके निकाल, बिल्कुल यही बात है, यही मैं कहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ टोटे टोटे जोड़ने होते हैं, और उसको ये क्या नाम देते हैं, एडिटिंग का, ये मैं प्रोफेशनल एडिटिंग करता हूँ, आप मुझसे सीख लें। जनाब चैनल आपका, व्लॉग्स आपने बनाने हैं, तो जो सही व्लॉगिंग है पर उसका मतलब जान तो लें कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं और करते कैसे हैं, ये तो किसी किस्म की व्लॉगिंग ना हुई कि आप लोगों की वीडियो से क्लिप निकाल कर उनको दिखाएं और अपने कंटेंट को पूरा करें, ये तो कोई कंटेंट ना हुआ। अच्छा ये तो हो गई इंट्रो और कंटेंट के हवाले से बात, ठीक है, कि दो चीज़ों को तो मैंने डिस्कस कर लिया कि इसका इंट्रो कैसा होता है और इसका कंटेंट क्या है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि इसने कहा कि आपने कहा कि मैंने, मतलब गुराया ने एंडी बाजवा की किरदार कशी की है, और किरदार कशी का मतलब है कि आपने उसके किरदार के बारे में ऐसी बात की है जो उसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो लोगों से पैसे लेता है, मैं सच बोल रहा हूँ, तो तुम सबूत दिखाओ, तुम सबूत दिखा नहीं रहे और वीडियोस पे वीडियो बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रहे हो। छोटा यूट्यूबर है ना, छोटा सा, ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैंने आपको बताया कि जब ये कहानी शुरू हुई तब उसके कितने सब्सक्राइबर्स थे और उसके आप कितने, छोटा यूट्यूबर क्या करे, छोटी छोटी हरकतें ही करेगा छोटा यूट्यूबर जो हुआ।
तो उसने जी किया कि पहले इंट्रो कंटेंट के हवाले से बात बनाई, और उसके बाद जी उसने कहा कि आपने जी किरदार किसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो किरदार किसी क्या होती है ये आपको नहीं पता, आपने बहुतान लगाया कि अदीवीर शाहद उसकी बीवी से मजदूरी करवाता है, उनके बच्चे करते हैं। अरे अलीवे के चमचे, अगर तुम्हें इतना ही उनसे प्यार है, तुम उनकी हर वीडियो देखते हो, तो तुमने देखा भी होगा कि उसके एक वीडियो के अंदर जो शाहद का बेटा है वो जो पाइप उसको खींच रहा है उसके वहां पर वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें यकीन फिर नहीं आएगा। तो कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट, तो इसकी मिसाल बिल्कुल तुम पर सही बैठती है। तुमने मेरी बात का तो यकीन नहीं किया कि वो लोग मजदूरी करते हैं जाकर, तो अपने अली वीर के मुंह से ही सुन लो कि उसने क्या कहा है हम उसके उज्मा और शाहद के बारे में। जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो अब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बात होगी क्लियर कि तुम झूठे हो, तुमने गलत बात की। अच्छा, और अब आते हैं दूसरी तरफ, तुमने बात की कि मैं वहां पर एक औरत जात की तोहीन करती हूँ जबकि मैं खुद एक औरत हूँ, ठीक है, तुमने ये बात की वहां पर। अच्छा, एनी वन वीडियो तुम मुझे दिखा दो जहां पर मैंने हुमैरा की या किसी भी औरत की तजलील की है, किसको तजलील किया हो या उसके बारे में कोई गलत बात की हो, तो मुझे एक मेरी वीडियो दिखा दो। मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने वीडियोस में यही बात की है कि औरत जात हमेशा ढक कर रखने की चीज़ है, आप उसको अगर लेकर आ रहे हैं तो वो आपकी मंशा है, वो आपके विल है कि आप अपने फैमिली को किस तरह दिखा रहे हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमारे कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी है, ना ही तो हमारा कोई जायदाद का मसला चल रहा है आपके साथ, ठीक है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो मर्जी करें तो मेरे वीडियोस को गौर से सुनो, ठीक है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, मान लिया तुम्हें दिखता नहीं होगा सही, लेकिन कान भी खराब है वो भी नहीं सुनता तुम्हें सही, दिमाग भी तो तुम्हारा बंद है, हर यहाँ से यहाँ का खाना भी खाली है तुम्हारा। तुमने मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखा और गौर से समझने की कोशिश नहीं की। हाँ समझो भी कैसे, छोटा यूट्यूबर, छोटी सोच, क्या करें। अच्छा, तो उसमें है क्या, मैंने हमेशा यही कहा कि आप जो मर्जी करें, हमें सिर्फ आपके कंटेंट के हवाले से है मसला, अगर आप उसको बदल लेंगे तो ठीक है, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, जहां आप अच्छा काम करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, और जहां हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिनको देख कर लोग इंस्पायर हुए थे, लोग आप लोगों को देख कर वहाँ पर आपकी तरफ माइल हुए थे कि अच्छा ये देहाती लोग हैं, देहात की ज़िंदगी के हवाले से हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो बस इसके अलावा तो हमारा कोई आपसे क्लैश है ही नहीं, ये अब छोटी सोच वाले लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं, क्या करें, मजबूर है आदत से। अच्छा, तो अब तुम मुझे, अब मेरा तुमसे ये सवाल है कि तुम मुझे दिखाओ कि मेरे कहाँ पर मेरा ये किसी भी औरत के हवाले से, वो तो तुम्हारी आदत है, वो तो तुम करते चीप हरकतें जैसे कि तुमने की है, तुमने अपने वीडियो में क्या किया, ये मेरे क्लिप को और एंडी वादो की क्लिप को जोड़ कर जो तुमने बगैरती बेहूदगी की है, असल में मसला तो तुम्हें है, नाम से उसके पूछ तो तुम रहे हो कि एंडी क्यों, बाजवा क्यों,
अरे भाई वो वीडियो तुम्हारे लिए थी, वो तुमसे सवाल कर रहा है कि कब रिश्ता लेके आऊं तुम्हारी बहन का। और हाँ, रिश्ते का वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से भेज। ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि अब जोन सा गुराया है वो ड्राइवर के ट्रक की लाइट के पीछे भी लगा हुआ है, ठीक है अलीवीर और फियाज की चमचागिरी भी कर रहा है, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि वो रिश्ता देगा किसको, ट्रक ड्राइवर को या मिस्टर फियाज को, किसको सोचना पड़ेगा। चले सोचते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और हाँ, रिश्ते का वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से भेज। जी बिल्कुल, हम लोग छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। तो तुम मुझसे पूछ रहे थे मिस्टर गुराया कि ये जो ट्रक ड्राइवर है मेरा क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हु द हेल आर यू मैन कि मैं तुम्हें बताऊं मेरा क्या लगता है, लेकिन तुम्हें मैं बस इतना सा हिंट दे देती हूँ कि तुम टेंशन ना लो, तुम आराम से उसे अपनी बहन का रिश्ता दो। और हाँ, रिश्ते का वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से भेज दे। जी बिल्कुल, हम लोग छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। तो तुम मुझसे पूछ रहे थे मिस्टर गुराया कि ये जो ट्रक ड्राइवर है मेरा क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हु द हेल आर यू मैन कि मैं तुम्हें बताऊं मेरा क्या लगता है, लेकिन तुम्हें मैं बस इतना सा हिंट दे देती हूँ कि तुम टेंशन ना लो, तुम आराम से उसे अपनी बहन का रिश्ता दो, तुम इस वजह से परेशान ना हो, तुम रिश्ता दो उसे, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसे जगह बताइए कि वो कहाँ बैठा हुआ है, तुम जाओ बात करो उससे, ठीक है। तुम वीडियोस भी तो उसके खिलाफ इतनी बना रहे हो, तो चाहे तुम किसी वीडियो में उसे मुतालबा कर लो या जैसा भी है, तुम टेंशन ना लो इस हवाले से, तुम जाओ और रिलैक्स होकर उसे रिश्ता दो अपनी बहन का, कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम मुझसे ये सवाल करने वाले कुछ नहीं होते, तुम्हारी औकात है कि तुम मुझसे सवाल कर सको कि वो मेरा क्या लगता है। और एक दूसरी बात, कि एक बात तो मैं तुम्हारी क्लियर कर दी, तुम्हारे मुंह पे मैंने कर दिया कि मैंने जो बात की थी कि वो मजदूरी करते हैं वो अली वीर के जबानी ही तुमने सुन लिया। अच्छा तुमने ये तो बड़ी बात की कि मैंने वहां पर उनके खिलाफ बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, अकल के अंधे अकल से पैदल इंसान मेरी बात सुन जरा, तो तुझे मेरी वो वीडियो नजर नहीं आई, तूने कहा कि तुम सब लोग कह रहे थे कि जावेद को मोबाइल लेके दो, तुम लोग कौन होते हो, ठीक है चल ठीक है, तो तू कौन होता कि तुम उससे सवाल करे मेरे बारे में, तेरी औकात है इतनी कि तुम उससे सवाल कर सके किसी भी चीज़ का। और दूसरी बात ये कि तूने कहा कि हम मैम के खिलाफ वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अकल के अंधे तूने मेरी वीडियो नहीं देखी जो मैंने उस बनाई थी जुमेरात वाले दिन कि उसको मोबाइल लेके दो या उसका चैनल खुलवा कर दो, उस्मा और शाहद का जुम्मे वाले दिन अली वीर ने उनके घर जाकर उनका जो चैनल है वो बना दिया। तो उससे नेक्स्ट डे मैंने हमेशा यही बात की कि जहाँ जो गलत करेगा मैं उसको हाईलाइट करूँगी, उसको उसको आप लोगों के सामने रखूँगी कि आप लोग उस चीज़ को जज करें कि क्या सही है क्या नहीं सही, और इसी तरह अगर कोई सही काम करेगा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। तो मैंने आप लोगों को हमेशा यही बात की है, और इसीलिए मैंने जब अली वीर ने वो चैनल बना दिया उनको दे दिया, तो उसके नेक्स्ट डे मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई, वो तो तूने दिखाई नहीं, उसके क्लिप नहीं तुझे दिखाने थे, वो टोटे 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 निकाले नहीं थे तूने। चल कोई बात नहीं, मैं आप सबको दिखाती हूँ, आप सब लोग देखें। वैसे ही है जैसे हमारे लिए प्याज है, वैसे ही जैसे नसरुल्ला है, जैसे रसूलुल्लाह, सारे मतलब हम सब लोग सबको इक्वल रखते हैं जी। तो बट आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है और वो क्लिप दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि जो आज की मेरी वीडियो है वो मैंने क्यों बनाई है और उसका मकसद क्या है, ठीक है। तो आज से तकरीबन 2 दिन पहले मैंने जुमेरात वाले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि अली वीर और मेहरा भाभी जो कि अपने घर काम के लिए बुलाते हैं शाहद को और उज्मा को, तो उनका चैनल बना कर दें। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और यकीनन हम लोगों ने ये बात पॉइंट आउट की थी और लोगों को इस तरफ ध्यान दिलाया था लोगों का कि जो अली वीर और हुमैरा को इनका चैनल बना कर देना चाहिए। तो हम लोग जहाँ पर इन लोगों को नुक्ताचीनी करते हैं और जहाँ जो ऐब नजर आता है हम उसको मतलब पॉइंट आउट करते हैं और आप लोगों के सामने रखते हैं कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर इनके साथ साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जहाँ आप लोग अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा करेंगे और भलाई करेंगे हम लोग वहां पर आप लोग को अप्रिशिएट भी करेंगे जी। तो बिल्कुल मुझे कल बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि अली वीर ने शाहद और मैरा का यानी कि शाह
बड़ी खुशी की बात है और मुझे ये इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का दुख भी है कि अगर आप लोग ये काम हमारे मेरे पॉइंट आउट करने से पहले कर देते तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहता कि आप लोग किसी की भलाई कर देते। तो आपको दिखाती हूँ मैं ये वीडियो जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अली वीर ने क्या किया। जहाँ पे हमने मेहमान बन के आना था वहाँ पे हम आ चुके हैं और ये आपको दिखा देंगे कि हम कहाँ आए हैं कि बेगम साहिबा आए हैं अपनी बहन से मिलने, जुम्मा का दिन है और आज आज हमारे लिए छुट्टी है, मैं शायद पर कोई छुट्टी थी इसलिए बहन को भी छुट्टी थी, तो हम कहा कि आज अपना शायद पर लिखना चाहते हैं और वहाँ पे जो है जिनके साथ बच्चों के साथ आज सारी गुजारी। तो आज हम यहाँ एक सिर्फ मिलने के लिए नहीं आए, एक मकसद के लिए आए, एक मकसद के लिए आए से बहुत सारे ध्यान भाई कहते थे कि जी अली ने ससुरालों के चैनल खोल लिए हैं, अली ने अपने सभी भाइयों के चैनल खोल लिए हैं, जो डिस्टर्बिंग है हादसा है उनके चैनल को ये हाथ नहीं लगा था। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी वीडियोज बनाई थी, बहुत सारे लोग बात में दबा रहे ख्याल कर रहे थे और तो शाहिद भाई और बाशी उस्मा दे आर द मोस्ट डिस्टर्बिंग पीपल वो नहीं दी थी। तो ये नहीं आ सकते हाथ जोड़ने की इंतजार है, व्यर्थ है मेरी उन बहन भाइयों से जिन्होंने मुझे इस बात से और ज्यादा मोटिवेट किया है मैं शाहिद भाई और बाशी उस्मा का चैनल बनाऊ। अभी जो शाहिद भाई के हालात है वो आपको पता है कि मतलब मजदूरी करते हैं बाजी उस्मा जी जो है पहले मतलब कहीं नहीं काम कर सकते, लेकिन अभी जब से उमेरा की तबीयत खराब हुई है तो ये काफी काम बता दी और ये अगर शाहिद भाई का चैनल जो है वो एक लेवल पे आ जाता है जिस तरह आप लोगों ने हमें प्यार दिया है हमारे चैनल माशाल्लाह आज इस स्टेज पे हैं, अगर शाहिद भाई का चैनल भी काफी सपोर्ट हौसला अफजाई और अल्लाह तआला के हम करम फजल से जहाँ तक आ जाता है तो फिर इनके हालात जो है वो भी माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। कप्तान मास्टर आप खुद देख रहे हैं कि माशाल्लाह असलम भाई भी अपने पैरों पे खड़े उनका उनका जो है वो एक सिस्टम चल पड़ा है, जाते हैं तो उसके बच्चे भी दुआ देते हैं और अल्लाह ताला भी राजी होता है होता है। आप लोगों ने भी कहा मेरा भी ये जी हाँ शायद ये ही इस्लाम ने नाम रखा है ये ग्रुप में एक और भी का दावा। तो आप लोगों ने ये अली वीर की वीडियो देख ली है जिसके अंदर उसने कहा है कि हाँ ये लोग मतलब बहुत डिजर्विंग थे और इन लोगों को जरूरत थी, अब ये लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे जिस तरह मतलब मेरा भाई खड़ा हुआ और इसी तरह ये जो शाहद है ये पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो मुझे बस इस चीज़ का दुख हुआ, खुशी तो बहुत है इस चीज़ की कि हम लोगों ने आप लोगों को आवाज़ की, मैंने अपनी परसों वीडियो बनाई, मतलब जुमेरात वाले दिन मैंने वीडियो बनाई है और नेक्स्ट डे आपने मतलब फ्राइडे वाले दिन 14 कर दी, खुशी तो हम लोगों सबको थी और आपने खुशी को दोबारा कर दिया इस तरह से आप लोगों ने जो से मैंने आप लोगों को वीडियो बना कर दी, जिस तरह मैंने आप लोगों का ध्यान कराया आप लोगों ने वो काम कर दिया और आपने चैनल बनाकर दे दिया शाहिद को, ये तो बहुत खुशी हुई और 14 कर के साथ साथ आप लोगों ने हमारी खुशी को दोबारा कर दिया। आप लोगों ने ये वीडियो देख ली कि ये वीडियो एक्चुअल में थी क्या, इसने सिर्फ आप लोगों के सामने सिक्के का वो पहलू रखा वो रुख रखा जो इसके लिहाज से इसके हवाले से बिल्कुल ठीक था, जो इसको वॉच टाइम दे सकता है, इसको लोगों की टेंशन गेन करवा सकता है, इसको दिखा सकता है कि हाँ भाई ये भाई सही बात कर रहा है। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं और हम लोगों को बाखूबी पता है कि एक साइड क्या दिखा रही है, तो हमें दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या बात और फैक्ट क्या है, उसके बाद हम लोग को जज करना चाहिए कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। मेरी इस आदमी से सिर्फ एक सिंपल सी बात क्वेश्चन कर दो इस बात की, तुम क्लैरिफाई कर दो कि ये पैसे लेता है या नहीं लेता, लेकिन इस आदमी ने ऐसी बेहूदगी की कि इसने आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी और आप लोगों को पता है इसने किस तरह टोटे 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 जोड़कर अपनी जो सी छोटी सो छोटा यूट्यूबर है, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की होगी, मैं उनकी बल्कि इज्जत करती हूँ, मैं किसी की माँ बहन बेटी पे कतई तौर पे कभी बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरे वालदैन ने मेरी कभी ऐसी तरबियत नहीं की, हमेशा
छोटा हो बड़ा हो सबकी इज्जत करना ही सिखाया है। छोटे पे हम शफकत करते हैं, बड़े की हम लोग इज्जत करते हैं। मुझे भी पता है तुम्हारे वालदैन बहुत नेक और बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने तुम्हारी तरबियत भी बहुत अच्छी की होगी, लेकिन तुम उनकी तरबियत पे बहुत बड़ा सवाल या निशान बन चुके हो अपनी कल की बेहुदा वीडियो की वजह से जो तुमने मेरे पर बनाई, जो मेरा और उसका क्लिप जोड़कर तुमने बनाई है। वो तुम्हारी अपनी गंदी जहनीत को जाहिर कर रहा है कि यू आर सच अ डर्टी माइंड पर्सन। तुम्हारा जहन गंदा है, तुम्हारी तरबियत गलत नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छी तरबियत की होगी, लेकिन तुम ही गलत निकले। एक और बात, यहाँ पर एक और जगह ये झूठ बोल गया, क्या करे, झूठ बोलने में माहिर है ना, तो बड़ी सफाई से झूठ बोलता है। इसने कहा कि मैं अपनी वीडियोस में अपने वतन के खिलाफ बात करती हूँ। ओहो, ओ पागल शख्स, जब तूने वतन के बारे में गलत बात की थी तो मैंने वीडियो बनाकर तेरा मुंह तोड़ा था, तेरा मुंह बंद करवाया था कि मुझे अपने कंट्री, अपने वतन से ज़्यादा कोई अजीज नहीं है। तुम लोग जो मर्जी बकवास करो, जो मर्जी करो आगे, लेकिन कभी भी अपने मुल्क का नाम ऐसी चीप हरकतों में मत इस्तेमाल करो जो तुम लोग कर रहे हो। लेकिन तूने उल्टा मुझे क्या कहा कि मैं अपने वतन के बारे में बुरा भला बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में। चल अब तू मेरी कोई एक वीडियो लेकर आ, तो ये ना समझ के अगर तू ये बेहूदगी करेगा ये क्लिप्स जोड़ कर, या तू मुझे डरा देगा, तो डरने वाली मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी समझदार हूँ, लेकिन मेरा कतई तौर पर स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं तेरे लिए वीडियो बनाकर अपना टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन हमारे पंजाबी में कहावत है, शरीफ अंदर वड़िया लुच्चा कहता मेरे तो डरिया। बस इन्नी जी गल है, जो तू समझ गया तो समझ गया, पर मैंने लगता नहीं कि तेनों समझ आनी है, क्योंकि समझ हैगी नहीं तेरे को। लेकिन जेडे वेखण वाले आ जेडे पंजाबी आ वह समझ गए होणगे कि मैं क्या की आ ते मैं चाहती की सी कहना। इस करके सिर्फ मैं तेरे ते वीडियो बनाई आ, वरना मेरे पास कोई इतना फालतू टाइम है नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर जाया करूँ और तुम्हें जवाब दूँ। लेकिन मेरे कभी किसी औरत पर बात नहीं की, आज मजबूरन तेरा मुँह तोड़ने के लिए, तेरा मुँह बंद करवाने के लिए मुझे ये बात करनी पड़ी है तेरी बहन वाली, वरना मेरी हरगिज कभी भी ये कोशिश नहीं हुई कि मैं कभी किसी औरत को इस तरह इस प्लेटफॉर्म पर आकर जलील करूं या बात करूं। ये बात तूने शुरू की है, तेरा मुंह तोड़ना ज़रूरी था, वरना तूने कहना था कि शायद ये मुझसे डर गई है। तो डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, मेरा आज ये मुतालबा वही है कि तूने जो मेरे बारे में बात की है कि मैं औरतों के बारे में गलत बात करती हूँ, मैंने वतन के बारे में गलत बात की, ठीक है मेरे थंबनेल कुछ होते हैं, और ये थंबनेल के हवाले से अगर मैंने उनका लगाया है तो उनके हवाले से बात भी की है, अगर मैंने उनकी वीडियो बनाई है अली की कि वो लोग उनके घर गए तो थंबनेल मैंने उनका लगाया है, उनके बारे में बात भी की है। तेरी तरह नहीं किया कि थंबनेल अली वीर का तो बात सात समुद्र पार बैठे शख्स की हो रही हो, तेरे हरकत नहीं मैंने की, जो होती है बात उसी का थंबनेल लगाया जाता है। और हमारा कुकिंग का चैनल है, तूने बकवास की कि इनकी सारी वीडियोस में थंबनेल इनके हैं, अकल कहते ये ज़रा हमारे वीडियो को ज़रा दोबारा हमारे चैनल को विजिट कर लो तो तुम्हें पल्ले पड़ जाएगा। और वीडियोस को सिर्फ अपने मुफाद के तहत जोड़ तोड़ मरोड़ के पेश ना किया कर, साखो इस बात से भाट कर जो बात होती है ना उसको पूरा चलाया करो। ये बात तो सही की है उसने एंडी बाजवा ने कि तुम क्या करते हो, टोटे टोटे निकाल कर जोड़ते हो, पूरी बात तो तुम करते नहीं हो। सोच पे के तुझे जब पता ही नहीं है एक चीज करता क्या है, ये करता ये है कि भाई ये टोटे टोटे करके निकालता है, जोड़ते हो, पूरी बात तो तुम करते नहीं हो। अगर यही बात तुमने मेरी पूरी दिखाई होती वीडियो जिसके तुमने क्लिप निकाल निकाल के लोगों के सामने रखे हैं, तो लोगों को पता चल जाना था कि बात एक्चुअल में है क्या। लेकिन सिर्फ तुमने अपने फ़ायदे के लिए जितने तुम्हें लगा कि हाँ ये बात को यहाँ से किसी का कान पकड़ ले तो यहाँ से किसी का नाक पकड़ ले तो तोड़ मरोड़ कर तुमने उसको रखा और वीडियो बना ली, ठीक है। अब मेरा आज भी मुतालबा वही है कि तुम मुझे ये सारे जो तुमने मेरे हवाले से बात की है ये भी मुझे बताओ, और जो ये बात कि तुमने ड्राइवर के बारे में की है कि ड्राइवर पैसे लेता है वो तुम सबूत दिखाओगे तो बात ख़त्म होगी। ये उल्टपटांग हरकतें करने से बात ख़त्म होने से रही कि तुम ये उल्टपटांग हरकतें कर लोगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर अच्छा फिर तुमने मुझसे एक सवाल किया कि आपने ड्राइवर के बारे में ये वीडियो बना दी कि वो पैसे लेता नहीं है ये वो, तो आप तब कहाँ थी जब अली वीर से ये बात की गई कि अली वीर ने 50,000 का मुतालबा किया। अच्छा मेरी बात सुन, उस वक्त तेरे ही चहितों ने वहाँ पर बैठ कर रोना रोया था चैनल पर आकर, और जिनका ये मसला था उन्होंने भी खुद आकर ये वीडियो बनाई थी, तो उस पर तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि हम लोग किसी से पूछें। हम लोगों ने तब भी अली वीर से कहा था कि हाँ कि ऐसा हुआ है, लेकिन फिर बाद में जो हुआ कि वो मेरा चैनल नहीं था या किसी ने मेरे चैनल से वहाँ मैसेज कर दिया या जो भी बात हुई
तो वो बात कुछ और निकली और उन्होंने भी कहा कि गलत फहमी होगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि कल को तुम भी यही बात करो कि मुझे गलत फहमी होगी, मुझे पता नहीं चला, तो इससे बेहतर है कि किसी पे बोहतान ना लगाओ। तुम पहले बात को क्लियरफाई कर दो कि ये बात है क्या एक्चुअल में, लेकिन तुमने इस बात को क्लियर करने की बजाय बात को और ही रंग देना शुरू कर दिया, आएँ बाएँ शाएँ तुमने करना शुरू कर दिया। तुम्हें समझ लग नहीं थी कि मैं कहूँ क्या करूँ क्या, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। उस वक्त हम लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया जो लोगों ने आके वहां पर कहा, लेकिन अब हम लोगों को एविडेंस के बगैर किसी पर भी बिलीव नहीं होगा, तो तुम हमें एविडेंस दिखा दो, दैट सिंपल। तो बस तुम दिखा दोगे तो हम लोग उस बात पर यकीन कर लेंगे कि हाँ भी ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन तुमने अभी तक वो नहीं दिखाया। तुम दिखाओगे तो बात खत्म होगी, वरना ये बात खत्म नहीं होगी, ऐसे चलता रहेगा कभी तुम तो कभी मैं। अगर मैं आपकी वीडियो से हट के कोई बात करता हूँ तो तब आपका इतराज बनता है, तो गेम में हम बहुत पहले खेल चुके हैं। जिस स्कूल में तुम पढ़ के आए हो ना, उसके हम हेडमास्टर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें अब पता तो चल गया होगा कि भुगतान लगाना कहते किसे हैं, भुगतान है क्या और वो तुमने किस तरह किस पे लगाया है। ठीक है, तो तुमने तो जो करना था वो कर लिया, तुमने क्लिप भी जोड़ लिए, तुमने भुगतानबाजी भी कर ली, तुमने हर बात कर ली, तुमने गलत बयानी भी कर ली, लेकिन कम से कम जब भी कोई वीडियो बनाओ उसको आंखें खोल कर देख लिया करो। ये हर वक्त नारा करो कि आज मुझे क्या हुआ है, ला 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 ला, ये करते रहते हो तुम। और लास्ट पे आके तुम जो है वो जो पता है ना, आप सब लोगों को समझ गए होंगे, आप लोग जो से जहाज होते हैं वो फिर ऐसे 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 ऐसे, तो ये लास्ट पे एक जो क्लिप भी था तुम्हारा वो मैंने दिखाया था, लास्ट पे क्रैश हो गया। तो व्यूवर्स, अब मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है उसकी समझ लग गई होगी कि कहानी शुरू कहाँ से हुई, क्या कहानी थी और मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। ये सिर्फ और सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, कुछ भी जो सही बात है जो फैक्ट है उसको सामने नहीं लेकर आ रहा, ये सिर्फ अपने चक्कर में लगा हुआ छोटा यूट्यूबर है, ग्रो करना चाहता है। वो ड्राइवर है, उसने कहा उसकी ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर शायद मैं चढ़ जाऊँ, मेरा चैनल ग्रो कर जाए, तो ये लगा हुआ है। शाउट आउट, शाउट आउट, शाउट आउट, हमें शाउट आउट नहीं मिलता, शाउट आउट ना मिले तो फैमिली की बुराइयां करो, ऊपर आ जाओगे। और बाकी ये कि चमचागिरी भी ये कर रहा है अली और फियाज की, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका मकसद क्या है, वो आप लोग खुद सोचें। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं इसको आज जवाब दे दूं कि जो तुमने बहतानबाजी की है या जो भी तुमने बात की है मेरे हवाले से कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ करती हूँ, कि तुम सब चीज़ों को क्लियरफाई कर दो। और जो पहला मुतालबा है वो वहाँ पर ही अभी भी वैसे का वैसे ही बरकरार है, तो मैं उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा, वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, वो बैठा है कहाँ पर, पाकिस्तान में या जो से भी दुनिया में, तुम उसे जाके तलाश करो, तुम उसके साथ जो मर्जी करो, लेकिन जो हमारा मुतालबा है जो सच है उसको दुनिया के सामने ला के रखो। अगर नहीं तुम्हारे पास कोई प्रूफ था तो तुम्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। और क्योंकि हम लोग पहले एक बार इस चीज़ का कर चुके हैं, धोखा खा चुके हैं कि लोग बात कर देते हैं बाद में आके मुकर जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग देखते रहें। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की वीडियो को थोड़ा बहुत इन्जॉय किया होगा और इंशाल्लाह अगर ये लोग अपनी इससे जो हरकतों से बाज ना आए और ये फिर अदले का बदला चलता रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा तो मकसद ये था कि चलो ठीक है मैं आज इनको जवाब दे दूँ इनकी बातों का, लेकिन अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हम भी तैयार है, क्या करें। अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि कोई एक तरह से आपके ऊपर वार करता जाए, सब्र की भी कोई इंतहा होती है, कोई पैमाना होता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो अपनी अकल जिसको आप लोग समझ बूझ रखते हैं समझ गए होंगे कि बात है क्या, यहाँ पर लोगों की आंखें खुलती नहीं है। बंदा पूछे वीडियो बनाने से पहले पूरी तरह नशा तो उतार लिया करो, नशे में ही उठा के कैमरा आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, नशा उतना नहीं होता और पता चलता नहीं है, आंखें खुल नहीं रही होती, आंखें बंद होती हैं और कैमरा रख के लगे होते हैं ऐसे 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 करने, क्या है ये सब कुछ, अल्लाह ही जाने कि क्या है, लोग क्या करें यहाँ पर। बट एनी वे, मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।